चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आऊँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 20 सितंबर का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो यहाँ पर आपके लिए ला सकूँ। यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे का व्यू बता देता हूँ क्या रहेगा, और जिन लोगों ने तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इंट्राडे में जो कुछ अपडेट वगैरह रहते हैं जो कि एस्ट्रो टाइम्स ही रहते हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो जिन लोगों ने तब नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी अभी तो 230 के यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट आकर चौपी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखे तो कल के लिए क्या व्यू रहेगा, 17,600 के नियर बाय मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। 17,600 के लिए पे जैसा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। एडवांस में 33 देख रहा हूँ, डिक्लाइंस में 17 देखने को मिल रहा है। चलिए, अभी डेली कैंडलस्टिक में अगर देखें तो डेली कैंडलस्टिक में निफ्टी अगर देखें तो आज गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि कल मैंने कहा अगर 480 के नीचे निकलता है तभी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आया और यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक अच्छा सा बाउंस बैक किया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो कौन सा लेवल था मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये जो लेवल था आज का जो लो लगा है, जो कि ऑलमोस्ट 420 का लो लगा है। तो जैसे मैंने कल का 480 के नीचे आ गया तभी एक वीकनेस देख लो, लेकिन अच्छा सा फॉल पुट साइड में मोमेंटम देखने को मैंने यहाँ पे प्रीमियम जो चैनल है अपना, उस प्रीमियम चैनल में अपडेट किया था, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मॉर्निंग में अच्छा सा पुट साइड में मोमेंटम हुआ, यहाँ से जब अच्छा सा रिवर्स हो, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा उनको अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल रहा है, कल के लिए क्या रह सकता है। कल के लिए मेरा व्यू अगर एस्ट्रो के हिसाब से देखे तो कॉन्ट्रा व्यू रख सकता है, बोथ साइड मोमेंटम हो सकता है ऊपर या नीचे, लेकिन मॉर्निंग के बाद एक अच्छा सा डाउन साइड के लिए मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस अगर देखें तो फिलहाल के लिए 700 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, उसके लिए अगर देखें तो उसके बाद में अगर देखें तो फिलहाल के लिए 718 का रेजिस्टेंस है। और अभी फिलहाल के लिए देखें तो स्विंग अभी जो डबल टॉप यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, जो कि 15 में 650 का लेवल है। जब भी 17,650 के लेवल के ऊपर चला जाएगा तो एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है ऊपर की तरफ का प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन खींचू, अगर मार्केट इसी रेंज में अगर इसके नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे निकलता है, 600 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है तो वीकनेस का साइन देखने को मिल सकता है। लेकिन 650 के अबव सस्टेन करेगा तो यहाँ पे ये जो गैप है तो गैप भी फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे बुलिश साइड अगर व्यू रखना है तो 660 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम करता है तो एक बुलिश साइड व्यू रख सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन 600 के नीचे निकलता है 17,580 के नीचे सब्टेंड करता है तो थोड़ा बेरिश व्यू मेरे हिसाब से देखने को मिलता है। तो चलिए, क्लोजिंग कहाँ पे देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है जो अभी 22 सितंबर का है। तो फिलहाल के लिए अभी क्लोजिंग होने से पहले अगर देखें तो 600 का जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा सा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। 600 का लेवल अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा सा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग बहुत कम है, कॉल राइटिंग भी है तो इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ते हैं, जैसे कि 700 के लेवल पर अच्छे से कॉल राइटर है, ऊपर की तरफ से ये भी कॉल राइटर बढ़ते हैं तो एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। 17,500 का लेवल देख सकते हैं, अच्छा सा पुट राइटर है तो ये लेवल ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। 17,500 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, और 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। चलिए, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में कौन सा लेवल, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए क्या देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, डेली का चार्ट लगाया, डेली के चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो कल का लो था, कल के लो के यहाँ से उसने रिबाउंड लिया, जो कल का हाई उसको ब्रेक नहीं है, तो कल के लिए यहाँ पे आज का लो और उसे आज का हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को जब भी काटेगा तभी एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डेली कैंडलस्टिक में, तो आज देखना पड़ेगा कहाँ पे क्लोजिंग देता है, इसके अंदर ही क्लोज देता है। लेकिन कल इसी रेंज में फिर से होते थे, यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल सकता है, जब भी जो कि देख सकते हैं 40,500 के नीचे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन 41,175 के ऊपर एक अच्छा सा ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लियर कट यहाँ पे साइडवेज जोन देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर यहाँ पे सपोर्ट देखें तो फिलहाल के लिए सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पे 40,800 यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे आज यहाँ पे ओपन है, फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का हाई अगर जैसे कट कर दिया तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। ऊपर के हिसाब से अगर देखें तो रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इसी जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करते थे फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 40,800 के नीचे निकलता है और 500 का लेवल को ब्रेक करता है तो एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। आपके लिए पुट लेना है
तो 500 के नीचे निकलता है तभी एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के लिए मेरे हिसाब से इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह लेवल्स रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो 40,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो 40,500 के लेवल पे देखते हैं अच्छा सा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो 40,500 का लेवल अगर देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 40,500 का लेवल देखें यहाँ पे अच्छा सा पुट राइटिंग है तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। 41,000 का लेवल देखें तो यहाँ पे अल्ट्रेस कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वर्क है। तो इसी 500 पॉइंट के रेंज में अगर आप मार्केट घूमता रहता है लेकिन 41,000 के ऊपर सस्टेन कर देते शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आ सकता है। और जरा 40,500 के नीचे शॉर्ट सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल जाए, जब ये नीचे आएगा तब एक बाय ऑन डिप मार्केट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अच्छा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको लेवल बता दिया कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और आपको एस्ट्रो टाइम्स वगैरह चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं एस्ट्रो टाइम्स पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आप ला सकूँ। चलिए थैंक यू।